कर्नाटक चुनाव में किसकी किलेबंदी है सबसे तगड़ी? आखिर इस बार कौन भेदेगा कर्नाटक का किला? कर्नाटक विधानसभा चुनाव, जहां सत्तारूढ़ कांग्रेस और बीजेपी के लिए करो या मरो जैसे हालात हैं, वहीं जनता दल सेक्युलर भी चुनावी जीत में सेंधमारी करना चाहती है। कर्नाटक के किले को भेदने के लिए तीनों ही दल अपने अपने हिसाब से किलेबंदी करनी शुरू कर चुके हैं। वैसे तो कर्नाटक चुनाव में कौन बाजी मारेगा और किसे निराशा हाथ लगेगी, ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। लेकिन चुनावी बैतरनी पार करने के लिए बीजेपी, कांग्रेस और देवेगौड़ा की जेडीएस ने अपनी पूरी ताकत जरूर झोंक दी है। राजनीतिक जानकारों की माने तो अतीत की तरह इस बार कोई बड़ा चुनावी मुद्दा नहीं है। कांग्रेस जहां अपनी सत्ता बचाने के लिए संघर्ष कर रही है, वहीं बीजेपी के लिए सत्ता पाना भी किसी चुनौती से कम नहीं। जेडीएस के लिए भी किंग मेकर की भूमिका किसी दूर की कौड़ी से कम नहीं है। हालांकि कांग्रेस और बीजेपी 224 सदस्यीय विधानसभा में 90 से 100 सीटें जीतने की उम्मीद कर रही है। ऐसा हुआ तो फिर जेडीएस के किंग मेकर के तौर पर उभरना तय है। यही वजह है कि सिद्धारमैया ने अपने इस आखिरी चुनाव के लिए तर्कश के सारे तीर निकाल लिए हैं, चाहे वो लिंगायत के अलग धर्म का मुद्दा हो या फिर कर्नाटक के अलग झंडे का मुद्दा। सियासी पंडितों की माने तो अगर सिद्धारमैया लिंगायत को लुभाने में सफल होते हैं तो फिर बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है। सिद्धारमैया के इस चुनावी चाल का बीजेपी न तो विरोध कर रही है और न ही समर्थन। हालांकि अमित शाह इसे लिंगायत को बांटने की कोशिश जरूर करार दे रहे हैं। वहीं सिद्धारमैया अपने पारंपरिक अहिंदा मतदाताओं का भी समर्थन पाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। बहरहाल बीजेपी और कांग्रेस के बीच सियासी शतरंज में सारे पैतरे आजमाए जा रहे हैं, लेकिन दोनों के बीच जेडीएस भी आहिस्ते से अपना रास्ता बनाता जा रहा है। तीनों ही दल अपने हिसाब से विरोधियों की किलेबंदी में जुटे हैं। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि इस बार कर्नाटक के किले को भेदने में कौन कामयाब होता है। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।